WB SCHEME TECH चैनलेर आरो एकटी नतून भिडियो देखार आमंत्रण आपनादेर सकलकेई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प केंद्रीय सरकारेर जनप्रिय प्रकल्प, जे प्रकल्पेर माध्यमे बात्सरिक 6000 टाका किन्तु 3टी इक्युअल इन्स्टलमेंटे विभक्त करे कृषकदेरके देया हय। इतिमध्येई आजके अर्थात 12टा नागाद रिलीज करलेन केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्पेर 14 नम्बर किस्ती, जेई किस्ती प्राय 8.5 कोटी कृषकके देया हलो 17 कोटी टाका। तो मूलत बुझते पारछेन जे पीएम किसान प्रकल्प हच्छे केंद्रीय सरकारेर, जेखान थेके केंद्रीय सरकार डायरेक्टली कृषकदेरके डिबिटिर माध्यमे अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफारेर माध्यमे बैंक अकाउंटे क्रेडिट करिये दिच्छे केंद्रीय सरकार। एते किन्तु लाभवान हच्छेन कृषकरा, कारण कृषकदेर जे समस्त चाष आबाद करते जत खरच हय एखान थेकेई किन्तु अनेकटाई सकल कृषकदेर बात्सरिक 6000 टाकार बिनिमये पेये जान, सेखान थेके अनेकटाई रेहाई हय प्रत्येक कृषकदेर। तो ये आज के जे रिलीज करलो पीएम किसान प्रकल्प टाका सेटी आपनादेर अकाउंटे कबे आसबे एबं ओरिजिनली जे अफिशियल भिडियो क्लिपटी रयेछे सेई भिडियो क्लिपटी आजकेर भिडियोते आमि आपनादेरके देखाबो एबं किभाबे रिलीज करलेन समस्तटाई देखाबो एबं स्टैटासও आपनारा चेक करते पारेन। इतिमध्ये स्टैटास आरएफटी साइन बाय स्टेट रयेछे। एखन बर्तमाने सम्पूर्ण प्रसिडियर कमप्लीट करबे बैंक एबं बैंक थेके किन्तु सन्ध्यार मध्ये टाकाटी बैंक अकाउंटे चले आसबे। तो कारा पाबेन, कत ताड़ाताड़ी किंबा कोन ओयजे टाका देया होच्छे एबं कबे पाबेन एई पीएम किसान प्रकल्पेर टाका रिलीज करार परे आजकेर भिडियोते समस्तटाई आमि आपनादेरके आलोचना करब। अवश्य भिडियोटी आपनारा प्रथम थेके शेष पर्यन्त एकटू स्किप करबेन ना। और ये चैनेले आपनारा नतून दर्शक हये थाकले अवश्य सबस्क्राइब करे आमादेर सदस्य हये जाबेन, कारण पीएम किसान एबं केंद्रीय सरकार राज्य सरकार नतून नतून लेटेस्ट स्कीम एंड जे समस्त प्रकल्प बा स्कीम रयेछे समस्तटा आमि आपनादेरके एक्सप्लेन करी एई चैनेलेर माध्यमे। ताई चैनलटिके सबस्क्राइब करबेन एबं बंधुदेर साथे भिडियोगुलो शेयर करबेन। तो देखुन पीएम किसान प्रकल्पेर टाका रिलीज करार परे केंद्रीय सरकारेर जे सम्पूर्ण फांड रयेछे सेटी बैंके प्रोवाइड करा हय। एबार बैंक थेके विभिन्न जे आपनार भेरिफिकेशन करार परे किंबा टाकाटी जे रिलीज करे तार जे एकटा टाइम रयेछे सेई टाइमेर मध्ये कोनो टाइम किन्तु नेई, कारण टाकाटी जखोनी केंद्रीय सरकार बैंकेर काछे गेलो सेई बैंक किन्तु एबार कि करबे प्रत्येक जे कृषक रयेछे प्रत्येक कृषकके लट जेनारेशन सिस्टेमे টাকা দেবে, অর্থাৎ একদিনেই প্রত্যেক কৃষকদের যে টাকা ঢুকে যাবে তেমনটা কিন্তু নয়। যে সমস্ত কৃষকগণেরা স্টেট ব্যাংকে রয়েছেন কিংবা আদার্স অন্যান্য ব্যাংকে, প্রথমত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া টাকাগুলি বেশি সংখ্যক দেওয়া হয়, কারণ ভারতবর্ষের একটি ভারতীয় ব্যাংক এবং জনপ্রিয় এবং মোস্ট পপুলার যে ব্যাংকটি রয়েছে সেটির নাম হচ্ছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। से कारण अनेक लाभार्थी अनेक जो बेनिफिशियरिरा से ही प्रकल्पे आवेदन कर ले स्टेट बैंक दिए आवेदन करे, तार कारण प्रथम जान टाका पावा जाए जरा स्टेट बैंक रही तीनादेर प्रथम किन्तु टाका देवा होबे। किन्तु जे समस्त अन्यान्य बैंक रही सेगुलो बैंके जेमन बंगीय ग्रामीण विकास बैंक सेगुलो किन्तु आपनार एकटू देरी होबे, कारण सेगुलो हच्छे ग्रामीण बैंक एबं जेगुलो स्टेट अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकारेर जे समस्त टाका आछे सेगुलो किन्तु स्टेट बैंक अफ इंडियातेई सम्पूर्ण बेशी संख्यक किन्तु सेखानेई अप्लाई करे सेई बैंकेर माध्यमे। तो आपनारा वेट करे जान, आज के सन्ध्यार मध्य देखबेन स्टेट बैंक अफ इंडियार विभिन्न कृषकगणेरा इतिमध्ये टाका पेये जाबेन। एबं देखुन पीएम किसान प्रकल्पेर जे आपनार टाका रिलीज करेछे सेटी सिकरेर राजस्थानेर सिकर थेके किन्तु टाका रिलीज करेछे प्राय 8.5 कोटी कृषकके 17 कोटी टाका ट्रांसफार करलेन केंद्रीय सरकार डायरेक्टली, तिनी रिमोट दिए डायरेक्टली रिलीज करे दिलेन एई टाकाटी। तो चलुन एबार आमि आपनादेरके डिटेल्से सेई भिडियोटी एक्सप्लेन करछि जे सेई भिडियोते आपनादेर की किभाबे रिलीज करलेन कत टाका रिलीज करलेन कोन कोन प्रकल्पे एई टाकागुली दिलेन समस्तटाई किन्तु सेखाने आपनारा जानते पारबेन। तो देखुन केंद्रीय सरकारेर विभिन्न प्रकल्प रयेछे सेई प्रकल्पगुलितेओ आपनारा किन्तु आवेदन अनेके करेछेन सेगुलो किन्तु रिलीज करा हयेछे। एफपीओ योजना और अन्यान्य जेगुलो रयेछे किसान समृद्धि केंद्र से समस्तटाई किन्तु आजकेर एई भिडियोते आमि आपनादेरके डिटेल्से जानाच्छि। तो प्रथमे आपनारा भिडियो क्लिपटी देखे नेबेन, सेखान थेके अनेकटाई किन्तु आपनारा बुझते पारबेन कि कि रिलीज करा हयेछे। तो आजके रिलीज करे दिलेन केंद्रीय सरकार पीएम किसान प्रकल्पेर टाका, सन्ध्या होते होते टाका ढुके जाबे अनेक कृषकगणेर, अनेके आबार 2-3 दिन लेटও होते पारे। तो प्राय 8.5 कोटी फार्मार जो रही है तर क्योंकि आस्ते आस्ते टाका बैंक अकाउंटे क्रेडिट हो। तो चलो आजकल ये क्लिप्टी रही है सेटी एबार आमी आपनाके उपस्थापन करछि। चैनलटिके सबसक्राइब करबेन, भिडियोटिते लाइक देबेन, बंधुदेर साथे भिडियोटी शेयर करते भूलबेन ना। तो प्रथमे आपनारा देखे निन सेई क्लिप्टी। आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और FPO से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी है। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान समृद्धि केंद्र खेती से जुड़ी अनेक सुविधाएं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, मिट्टी, बीज परीक्षण, उपकरण सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों की भागदौड़ कम हो और वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें। ये केंद्र किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने में और प्रभावी योगदान दे, इसलिए देश भर में जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर 2,80,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने की योजना है। इनमें से 1,25,000 से ज्यादा केंद्र तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने आज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती की जरूरतों में किसानों को मदद के लिए सीधी सहायता के रूप में PM किसान योजना की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड का शुभारंभ कर दिया गया है, जो मिट्टी में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आज डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC पर 1,600 से अधिक FPOs की ऑनबोर्डिंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र में बन रहे हैं नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें।